देख सकते हैं और यहां पर जय शाह भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आज ही लौटे हैं भारत बारबाडोस से, और बारबाडोस से लेने के लिए स्पेशल विमान गया था भारत से टीम इंडिया के खिलाड़ियों को, क्योंकि वहां पर वो अटके हुए थे हरिकेन की वजह से। और आज आए, सबसे पहले मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बातचीत की, एक्सपीरियंस को जाना। तस्वीरें तमाम जो खिलाड़ी हैं, हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जो पूरी टीम इंडिया के जो प्लेयर्स थे, उनसे प्रधानमंत्री ने बातचीत की और जाना कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो फाइनल मैच था उसमें क्या कुछ चल रहा था उनके मन में, जिस तरह से एक वक्त पे ये लग रहा था कि टीम इंडिया ये मैच हार जाएगी, कैसे इस अनुभव को जिया है उन्होंने उस ग्राउंड पर, और भी तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर हुआ है। ट्रॉफी को भी उठाया प्रधानमंत्री मोदी ने, और देखिए यहाँ पर ये तस्वीर, एक फॉर्मल पिक्चर भी ली गई है। तो T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया ने अपने नाम किया, जिसके बाद T20 टीम वर्ल्ड चैंपियन से मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी ने की, और अब मुंबई टीम इंडिया रवाना हो चुकी है। ये मुलाकात की तस्वीरें थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, और आज शाम को एक विक्ट्री मार्च भी निकाला जाएगा, और से पहले जब प्रधानमंत्री मिले उस दौरान की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पीएम ने इससे पहले जब फाइनल मुकाबला टीम इंडिया जीती थी तो फोन पर बात भी की थी, करीब 2 घंटे तक टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात टीम इंडिया ने की, और उसके बाद एयरपोर्ट के लिए ये खिलाड़ी रवाना हो गए। तो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद यहां पूरी टीम पहुंची प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, और शाम 5 बजे आज एक विक्ट्री परेड भी होगी मुंबई में, और टीम इंडिया के खिलाड़ी अब मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। तो बीसीसीआई ने टीम इंडिया को लाने के लिए एक स्पेशल विमान बारबाडोस भेजा था, जहां पर टीम इंडिया के खिलाड़ी फंसे हुए थे तूफान की वजह से, और इस प्लेन को नाम भी दिया गया था चैंपियंस 24 वर्ल्ड कप। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, काफी हंसते मुस्कुराते ये पूरी बातचीत हुई है प्रधानमंत्री के साथ टीम इंडिया के खिलाड़ियों की, इन वर्ल्ड चैंपियंस की, और जोरदार स्वागत भी चैंपियंस का किया गया। सभी इंतजार कर रहे थे कि अपने खिलाड़ी लौट कर आए। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अनूप, जब प्रधानमंत्री से मिले ये वर्ल्ड चैंपियंस, उस दौरान तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, कितनी देर ये मुलाकात चली और क्या कुछ बातें हुई, क्या इनपुट? देखिए 40 मिनट से ज्यादा जो है वो मुलाकात हुई, और सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज आप तस्वीरों में देख सकते हैं, किस तरीके से आत्मीयता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जो टीम इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, चैंपियंस हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनसे वो शेयर कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस, और दूसरा उनसे जानना चाह रहे हैं कि वो कितने एक्साइटेड थे। तो ये तमाम बातें एक एक तरह से कह सकते हैं कि कन्वर्सेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खिलाड़ियों के बीच हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कह सकते हैं कि जिस तरीके से बारबाडोस में टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत कर आई, और उसके बाद वो दिल्ली पहुंची, और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका कार्यक्रम था, इस वजह से वो यहाँ आकर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। एक बहुत बड़ा सम्मान कह सकते हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते आ रहे हैं। आपको याद होगा जब कुछ दिन पहले वनडे वर्ल्ड कप भारत में आयोजन हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद थे फाइनल मैच में, और हारने के बावजूद वहाँ खिलाड़ियों का उत्साह उन्होंने बढ़ाया था। आज जिस तरीके से T20 मैच में भारत विश्व विजेता बनकर उभरी है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान दिया, अपने आप में कह सकते हैं बड़ी बात, और बॉन्डिंग आप देखिए जो तस्वीरों में साफ देखने को मिल रहा है। जी
बिल्कुल सही आपने जिक्र किया कि उस मुकाबले की हार की कसक तो हर भारतवासी के दिल में थी, लेकिन तब भी प्रधानमंत्री पहुंचे थे ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों के और वहां उनकी हौसला अफजाई की थी, हर एक से मिले थे और उनके प्रयासों को सराहा भी था। और आज की मुलाकात हम देख रहे हैं बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में यहाँ बातचीत हो रही है, हर खिलाड़ी का चेहरा खिला हुआ है, प्रधानमंत्री मुस्कुरा रहे हैं और ट्रॉफी को उठाकर उन्होंने देखा भी है, फोटो भी खिंचवाई है। बिल्कुल, देखिए ट्रॉफी को उठाकर उन्होंने फोटो खिंचवाई है। इसके अलावा जिस तरीके से राहुल द्रविड़ जो कि कोच थे उनसे वो बातचीत कर रहे हैं, कप्तान से बातचीत कर रहे हैं, रोहित शर्मा से बातचीत कर रहे हैं और आप खास तौर पे देखिएगा कि बुमराह से वो खास तौर पर बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने तारीफ की थी जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी तो उस समय उन्होंने बुमराह की खास तौर पर तारीफ की थी, सूर्य कुमार यादव की तारीफ की थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट को लेकर भी गजब का उत्साह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में है और बहुत ही कह सकते हैं कि प्रशंसक हैं वो, लगातार वो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, क्रिकेट को समझते हैं और जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव की तारीफ की है तो एक क्रिकेटर जो प्रशंसक हो, जिनको समझ हो, वही तारीफ करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्यार है वो उभर कर सामने आता है और ये बॉन्डिंग है जो सामने दिख रहा है तस्वीरों में कि किस तरीके से वो अपने खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और अब यहाँ से टीम इंडिया रवाना हो चुकी है अनूप, मुंबई में विक्ट्री परेड की भी तैयारी है। बिल्कुल, देखिए पहला जो कार्यक्रम बन रहा था वो यही था कि वो मुंबई जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना था, इस वजह से वो यहाँ पर उनकी लैंडिंग हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उसकी मुलाकात हो चुकी है और एक बड़ा भव्य कार्यक्रम जो है वो मुंबई में होना है, जिसमें रोड शो होगा, वानखेड़े स्टेडियम में सम्मान समारोह होगा, एक बड़ा समारोह के तौर पर, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है T20 वर्ल्ड कप में विश्व विजेता बनना, भारत का एक सपना था जो वर्षों से लगातार हमने देखा कि भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाती थी, भारत अच्छा परफॉर्म करते हुए भी वो कप नहीं उठा पाती थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से भारत ने परफॉर्म किया है ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और इस बात का अंदाजा जो हमारे करोड़ों क्रिकेट प्रेमी हैं उसको पता है, दूसरी तरफ है ये इस उपलब्धि को किस तरीके से वो अपने नागरिकों के साथ वो शेयर करना चाहते हैं, इसका आप एक नमूना आज आप देखेंगे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई, आज एयरपोर्ट में जिस तरह से भव्य उनका स्वागत किया गया, होटल में उनका भव्य स्वागत किया गया, तो एक तस्वीर आप शाम को भी देखेंगे मुंबई में जब एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित वहां किया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अनूप, और देखिए ये भारत में तो क्रिकेट एक दूसरे धर्म की तरह देखा जाता है, सभी के जज्बात क्रिकेट से जुड़े होते, चाहे वो क्रिकेट को उतना देखते हो या नहीं देखते हो, लेकिन फिर भी जज्बात सेंटिमेंट जो है वो अटैच रहते हैं। और इस बार तो जब वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जीता टीम इंडिया ने, तो रोहित और विराट ने रिटायरमेंट का भी, इस फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया, संन्यास का ऐलान भी किया, तो ये भी अपने आप में एक भावुक कर देने वाला पल रहा होगा इस बातचीत में। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके भी बोला था, आपको याद होगा जब रविंद्र जडेजा ने संन्यास लिया तो उन्होंने ट्वीट किया कि उनका जो पूरा खेल है उसको किस तरीके से याद किया जाएगा, और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बात को फॉलो करते हैं, वो समझते हैं क्रिकेट को बहुत अच्छे तरीके से, बारीकी से वो ध्यान रखते हैं, जिसका परिचय उन्होंने लगातार दिया है, उस दिन भी जिस तरह से वो छोटी छोटी बातों का जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट पे किया, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्रिकेट को किस तरीके से वो देखते हैं और फॉलो करते हैं। लेकिन देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप में जीत दर्ज कराई, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर है, क्योंकि देखिए इस पूरे टूर्नामेंट में वो किसी भी टीम से हारी नहीं, एक तरह से कह सकते हैं कि लगातार वो शुरुआत से लेकर आखिरी तक मैच में जीतना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर आप देख सकते हैं, एक मैच में भी हारना नहीं, उन्होंने भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराया, भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, तो ये एक के बाद एक सभी टीमों को हराकर जिस तरीके से एक खनक होता है कि विश्व विजेता, एक ऐसे ही नहीं कि आपने दो मैच आप लीग में हारे और उसके बाद एक दिन बहुत अच्छा चला T20 में और आप उस मैच को जीत गए, भारतीय क्रिकेट टीम ने एक अपना अच्छा परफॉर्मेंस
पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने दिया और कह सकते हैं कि भारतीय टीम डिजर्व करती थी। और यही अंदाजा है कि आप खिलाड़ियों का खुशी देखें किस तरीके से जब भारतीय क्रिकेट टीम भारत के दिल्ली जब वो एयरपोर्ट पे लैंड की तो उनकी खुशी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोहित शर्मा और टीम खुश थी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब उनकी मुलाकात हुई तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं था। तो ये सारी बातें बताती है कि बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम ने हासिल की है। जी बिल्कुल सही कहा आपने अनूप, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। क्योंकि विदेशी सरजमीं पर तो ये खिताब जीता था लेकिन अपने देश में आकर उस खुशी को सेलिब्रेट करने की जो फीलिंग होती है वो अपने आप में अलग ही होती है। आज उसी भावना को जी रहे हैं तमाम खिलाड़ी।